CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। नमस्कार, मैं हूं राज पांडे, आप देख रहे हैं CEN News। आइए देखते हैं आज की खास खबर। किसान मजदूर ट्रेड यूनियन और विद्यार्थी संगठनों द्वारा भारत बंद का आज अमृतसर में इसका असर पूरी तरह देखने को मिला। जहां बाजार पूरी तरह बंद हैं, वहीं दूध, सब्जियां और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई भी पूरी तरह ठप है। बैंक कर्मचारियों ने भी इस हड़ताल का समर्थन करते हुए अपना कामकाज ठप किया हुआ है और किसान यूनियन 1 बजे से 3 बजे तक रेल भी रोकेंगे। भारत बंद पर बोलते हुए किसान और ट्रेड यूनियन ने कहा कि केंद्र की सरकार उन्हें धर्म के नाम पर बांटना चाह रही है, जबकि वो पूरे देश को एक रखना चाहते हैं। आज पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई का बोलबाला है और केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उससे वो भाग चुकी है। मेरा नाम कुलवंत सिंह बाबा है, जन शक्ति हिंद मजदूर सभा पंजाब। ये मोदी सरकार जिहड़ा मजदूर मारू नीतियां ते जिहड़े मजदूरां दे बने हक्कां वास्ते जिहड़े कानून सी आजादी तो पहला ते आजादी तो बाद जिहड़े कानून ने उन्हें मोदी सरकार खत्म करन जा रही है और 4 जिहड़े लेबर कोड ने उहदे विच बना दिता गया वा और एक कानून जिहड़ा हिंदुस्तान की पार्लीमेंट हाउस पास हो चुका वा, 3 जिहड़े उह पास होने बाकी ने। असीं इहो ही चाहवांगे कि जो भी करना वा मजदूरां दे कानूनां नूं तू छेड़छाड़ करनी है ते उहदे विच मजदूरां दी भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। कम से कम हिंदुस्तान दियां 10 प्रमुख जथेबंदियां ने किसी की भी मोदी सरकार ने यह सलाह नहीं ली कि इस बदलीए ना। आशा अज जो प्रोटेस्ट किया गया रेलवे ट्रैक जाम किया गया कि ज़्यादा परेशानी आ रही सू तो बहुत परेशानी आती पी है, अं ना कि इन्ने तंग होए पे हैं कि अंत साहब ने अगो अं बीमार कितने जाना सी अं जम्मू जाना वा। पहले सवेरे जम्मू वाली ट्रेन निकल गई है तो मुड़ के बाद अं आए हैं तो पठानकोट वाली अं बह जाने, बसा भी नहीं चलन दी। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ मजदूर उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे तेरी धक्केशाही, क्योंकि आज़ादी तो पहला तो आज़ादी तो बाद जो कानून बने ने उन्होंने सारे कानूनों ख़त्म करके 4 कोर्ट कानून बदलाव किए जा रहे हैं और हिंदुस्तान की जी 11 प्रमुख जथेबंधियां ने उन्होंने वालों धरने की जी कॉल दी गई है। अगर मोदी इस तो समय ना लगी तो फिर जी हिंदुस्तान प्रमुख जथेबंधियां ने अगला जो स्टैंड लैन का काम करेंगे। अज का जोड़ा धरना वा ये बैंक। सर मेरा नाम हरदीप कौर कोटला, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन तो। अज पूरे भारत के हड़ताल है, वह कली ट्रेड यूनियन वालों नहीं, वो सारे किसान मजदूर विद्यार्थी मुलाजम शामिल हो, खास करके ये मजदूरों दंगा के नाल जो कि मोदी गौरमेंट CAANRC ते NPR लैके आई है नवा कानून। CAA तहत जो सिर्फ 6 धर्मां दे लोगों को नागरिकता दी जानी है, वह भी 3 देशों तो, पाकिस्तान, बंगलादेश ते अफगानिस्तान, और उन्होंने देशों तो मुसलमान आने कोई नागरिकता नहीं दी जानी। और पहली गल कि मुसलमानों के खिलाफ आ देश के जो एक भाईचारक जरा रिश्ता से तोड़न की कोशिश की जा रही है। दूसरा कि जो NRC लेके आई है गवर्नमेंट कि सानू 1971 तो पहले तो डाकूमेंट विखाने पैणगे, जेडे कि पहली गल सोचने वाली है कि साढ़े दादियां परदादियां दे समय का जन्म तरीका ही नहीं बनदिया होंदिया सी, और जे अज भी किसी बच्चे का बर्थ हुंदा तां महीना महीना लोगों को खज्जल खुआर होकर फिर अपनी जन्म तरीक बनानी पैंदी आ, तां लोग कितना अपने डाकूमेंट्स विखाणगे। और दूजी सोचने वाली गल ये भी आ कि जेडे बिहार वर्गे सूबे आ उन्हां की कहना चाहते हैं। अकविंदर कौर, सैकटरी हिंद मजदूर सभा पंजाब। मैं कहना चाहती हाँ कि अज जड़िया केंद्र सरकार मजदूर मारू नीतियां ने वो उन्होंने खत्म करे, जिस तरह के साढ़े मतलब के लेबर लाज ने जोड़े अंग्रेज सरकार तो पहले तो बने से और बाद भी बने ने, उन्होंने खत्म करके 4 कानूनों के बदल दिता उन्होंने, वो वास्ते इन्होंने जोड़े साड़ी इंडियन लेबर ऑर्गनाइजेशन है वो कोई सलाह नहीं ली भी एक तानाशाही जोड़ा कदम है मोदी सरकार ने चुकया है। मोदी सरकार जी डिक्टेटरशिप है वो डिक्टेटरशिप। हाँ जी, की नाम है? अवतार सिंह। यही दूरों दूरों आए हैं, तुम आए जो कितने जाना? पठानकोट आए, पठानकोट जाना, परेशानी होती है सू इतने।
ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।